वर्षा बहन और प्रकाश जी अपने जीवन के सुनहरे पल जी रही थी। अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे थे। उनके 23 साल के बेटे ने उनके इस खास दिन के लिए बहुत बड़ा जश्न रखा था। इस खास मौके पर सभी रिश्तेदार, सभी जान पहचान वाले शामिल हुए थे। वर्षा जी का बेटा बड़ा ही समझदार था। उसका खुद का व्यवसाय था। कौन जानता था कि जिन प्यारे पलों को आज तस्वीरों में कैद किया जा रहा है, वह सचमुच सिर्फ यादें बनकर रह जाएगी। प्रकाश जी की 2 महीनों के बाद ही अनायास मृत्यु वर्षा जी के लिए बहुत बड़ा सदमा का कारण बन गई। ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उनकी खुशियों पर नजर लगा दी हो। दिन रात सिर्फ तस्वीरों में प्रकाश जी को ढूंढती रहती। उन्हें लगता ये एक बुरा सपना था जो टूट जाएगा और प्रकाश जी वापस आ जाएंगे, मगर ये हो नहीं सकता था। वर्षा जी के रिश्तेदारों ने उनके इस हालात को देखते हुए उनके बेटे से शादी करने के लिए कहा। सभी का कहना था कि घर में बहू आएगी तो वर्षा जी फिर से अपनी जिंदगी जीने लगेंगी। बेटे ने भी हामी भर दी। अनीता के साथ उसकी शादी हो गई। अनीता के आते ही वर्षा जी धीरे धीरे सामान्य जिंदगी जीने लगी। बाजार से सब्जी लाना, घर में खाना क्या बनेगा ये सुझाव देना, घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियां उठाने लगी और खुद को व्यस्त रखने लगी। उनका बेटा भी निश्चिंत हो गया था। वर्षा जी अपनी बहू और बेटे के साथ जिस घर में रह रही थी उसे प्रकाश जी ने खरीदा था। उनके जाने के बाद वह घर वर्षा जी के नाम पर हो गया। वर्षा जी की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी और उनके बेटे ने और बहू ने उन्हें खुशखबरी दी कि वे दादी बनने वाली है। वर्षा जी फूली नहीं समा रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे जिंदगी वापस उन्हें गले लगा रही है। साल भर में एक नन्ही सी परी उनके घर आई। वर्षा जी का मन अब बहुत अच्छे से घर पर लगने लगा। वह खुश रहने लगी। वर्षा जी और उनके बेटे को घर छोटा लगने लगा है। एक बड़ा घर खरीदने की वर्षा जी ने भी सहमति दे दी। वर्षा जी ने भारी मन से अपने घर को, जिसमें उनकी ढेर सारी यादें थी, बेच दिया और अपने बच्चों की खुशी के लिए एक बड़ा घर खरीद लिया। पुराने घर को बेचने से जितने भी पैसे मिले वो सारे के सारे नए घर में उन्होंने डाल दिए। बेटे ने नया घर पसंद कर लिया। वर्षा जी ने पूछा कि नए घर को किसके नाम पर खरीद रहे हो? बेटे ने कहा, ये कैसा सवाल हुआ, मेरे नाम पर ही? वर्षा जी ने कहा, नहीं बेटा, सिर्फ तुम्हारे नाम पर नहीं, इस घर पर तुम्हारा नाम हो इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर इस घर पर मेरा नाम भी शामिल होना चाहिए। बेटा तैश में आ गया और उसने कहा, इस उम्र में भी तुम्हें प्रॉपर्टी की पड़ी हुई है। बेटे के गुस्से को शांत करते हुए उसकी माँ ने कहा, मैं ये नहीं कहती कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है कि भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए बेहतर है कि मैं अपने घर की छत का हक किसी को ना दूं। इस बात को सुनकर तुम्हें अभी जरूर बुरा लग रहा होगा, लेकिन तुम यदि मेरी जगह रहकर सोचोगे तो तुम्हें ये बात सही लगेगी। तभी बहू सामने से आई। उसने अपने पति से कहा, माँ जी सही कह रही है, यदि हमारे मन में कोई खोट नहीं तो घर में उनका नाम हो या आपका क्या फर्क पड़ता है, और यदि आपको अपना घर चाहिए तो आपको नहीं लगता कि हमें हमारी कमाई से हमारा घर खरीदना चाहिए? इस घर पर पापा के पैसे लगे हुए हैं तो पूरा हक तो माँ का ही बनता है। मैं इसलिए ये कह रही हूं क्योंकि मेरे चचेरे भाई ने मेरी चाची को उनके घर से ही निकाल दिया और अब चाची मेरी माँ के साथ रहती है। इस अनुभव के बाद तो मैं भी तुमसे यही कहूंगी कि भविष्य में न जाने क्या हो, बेहतर है माँ के सर पर छत रहे। बहू की समझदारी की बात सुनकर सास बहुत खुश हो गई और बेटे को भी लगा कि सब सही कह रहे हैं। उसने नए घर के कागज पर अपना और अपनी माँ दोनों का नाम लिखवा दिया। ये आज के कलयुग का सत्य है। हम सभी लोगों को दिल से नहीं दिमाग से भी सोचना चाहिए। भविष्य में क्या अकल्पनीय हो जाए ये कोई नहीं जानता। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।